Now next, this is the first C program, logical program to performing addition of two numbers. As a heading, write a C program to perform addition of two numbers. Generally, additions को perform करने के लिए किसी भी program को बनाने के लिए एक से ज़्यादा logics या more than one types of logics possible हैं. Out of which one is more appropriate applying for solving such a problems. तो इस केस में addition के respect में two या three programs create कर रहा हूँ in different different style और different different ways. चेक करें इस प्रोग्राम्स के केस में इससे बेटर एप्लीकेशन कौन सा होगा. नेक्स्ट वन, प्रोग्राम्स को जब भी क्रिएट करें, जैसे अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था स्टेप फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम, तो जब भी प्रोग्राम क्रिएट करें सेम स्टेप फॉलो करें. अगेन वी आर रिपीटिंग सेम स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप डिक्लेयरिंग ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल्स. सेकेंड स्टेप, व्हाट इज सेकेंड स्टेप, रीडिंग इनपुट्स from a keyboard, reading inputs from a keyboard. Third step, applying processing logics or applying writing logics to solve a problem. Then finally, displaying results. Means अगर इन steps को follow करो तो आपके mind में एक process generate होगा, किस process के according problem को solve करना है. सबसे पहले analyze करो requirements क्या है, किस type का problem solve करना चाहते हो. इसके respect में declaration की बात करें, three types के variables declare करोगे, may be related to inputs, may be related to outputs or may be related to some helper or extra variables. अगर फर्स्ट केस में बात करें, फर्स्ट केस में एडिशन प्रोग्राम राइट करा रहा हूँ विदाउट यूजिंग वेरिएबल्स. हाउ टू परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग वेरिएबल्स. तो इस केस में इन स्टेप्स को फॉलो करने रीड नहीं, बिकॉज कोई वेरिएबल्स रिक्वायर्ड नहीं. अगर वेरिएबल रिक्वायर्ड नहीं तो इनपुट रीड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली प्रिंटफ फंक्शंस के थ्रू डिस्प्ले कराएंगे रिजल्ट. जनरली परफॉर्म क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स. फर्स्ट वे वन. According to that case, first of all writing or placing all header files. Here header files mostly आप use करोगे hash include stdio.h and hash include conio.h. Because इस case में use करें some predefined functions like a printf, scanf, clr, str or getch and some other case. Therefore, we must place header files. Means header files के basis पर कंपाइलर आइडेंटिफाई करेगा कोई पर्टिकुलर फंक्शन किस प्लेस पर है, फंक्शन का डिक्लेरेशन किस हेडर फाइल पर अवेलेबल है, किस हेडर फाइल के प्लेसेस पर फाउंड होगा. फर्स्ट वन हैश इंक्लूड stdio.h. अगर आप गेट सी एच और सी एल आर एस आर यूज करो, देन यूज करेंगे हैश इंक्लूड conio.h. देन void main functions. Next one, अगर आपको output string clear करना, mostly क्या रहता है जब भी आप कोई program execute हो, this is some output device monitor. तो इस case में अगर बात करें, in that case हो सकता है previously already आप two या three programs execute कर चुके, तो हो सकता है previous program के already result print हो चुके, like result 1, result 2, result 3 and so on like that. Then उसके बाद मैंने display करा like a printf perform क्या करना है इस केस में, addition of two numbers. Like a for example इस केस में fixed कर रहा हूँ मुझे 10 और 20 two integer numbers set कराना है. वो two numbers को जब add कराएं तो उसका result किस form में आएगा, integers के form में. और integer types के results को display करने के लिए use क्या करोगे, format specifier %d. In that case we are supplying directly 10 plus 20 means required expression which you want to add. तो इस केस में जब ये printf फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ 10 प्लस 20 रिजल्टेंट एक्सप्रेशन, और रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 30. देन जब printf रिजल्ट होगा %d के प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा वैल्यू s30. नाउ कंप्लीट मैसेज बिकम्स रिजल्ट कॉलन 30. इस केस में डिस्प्ले क्या होगा, सिंपली रिजल्ट कॉलन 30.
like that. But if you want to clear this previous message, means previous output message को अगर clear करना, then place करोगे CLR SCR. CLR SCR जरूरी नहीं है एवरी टाइम टॉप में होना चाहिए, ओनली वन टाइम होना चाहिए. CLR SCR फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना पॉसिबल फ्रॉम एनी वेयर इन द प्रोग्राम जस्ट आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन. CLR SCR किसी भी प्लेस पर ऐड करना पॉसिबल है. इसका वर्किंग क्या रहेगा, क्लियर प्रीवियस मैसेज. मीन्स प्रीवियस केस में अगर CLR SCR अप्लाई किया देन प्रीवियस मैसेज डिस्प्ले क्लियर होने के जस्ट बाद विंडोज और स्क्रीन के टॉप में डिस्प्ले होगा योर रिजल्ट और रिजल्ट ऑफ द करेंट प्रोग्राम. रिजल्ट इज समथिंग 30. नाउ कर्सर लाइक दैट. वन मोर थिंग्स, जनरली सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद आपके लिए जो आउटपुट स्क्रीन विजुअल, आउटपुट स्क्रीन जनरली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए विजुअल होता है. इस कभी भी आपको पता ही नहीं चलेगा आउटपुट डिस्प्ले हुआ है कि नहीं हुआ. तो इस केस में आउटपुट देखने के लिए आप शॉर्टकट यूज करोगे अल्ट प्लस F5. अल्ट प्लस F5 मीन्स फंक्शन की F5, देन आपके लिए आउटपुट देखना पॉसिबल है. दूसरा केस विदाउट प्रेसिंग अल्ट F5 भी आउटपुट देखना पॉसिबल बाई यूजिंग विद द हेल्प ऑफ गेट सी एच फंक्शन. विद द हेल्प ऑफ गेट सी एच फंक्शन, गेट सी एच इज अ इनपुट फंक्शन विच विल टेक्स सिंगल इनपुट फ्रॉम अ यूजर. तो इसके साथ जैसे ही गेट सी एच को चांस मिलेगा आफ्टर प्रिंट है, स्क्रीन आपके लिए तब तक विजिबल रहेगा जब तक आप कोई की प्रेस नहीं कर दो. देन इनको जस्ट बाद में डिस्कस करेंगे मोर अबाउट गेट सी एच व्हाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंसोल फंक्शंस. क्लियर, दिस द फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने डायरेक्टली राइट किया 10 प्लस 20, लेकिन इस केस में वैल्यूज किसी वेरिएबल्स में साइन नहीं किए, नेक्स्ट वन इसी प्रोग्राम को अगेन अदर वे में राइट करूँ, मीन्स इन डिफरेंट वे. इस केस में इसका आउटपुट क्या आएगा, लाइक 30. नेक्स्ट वन सॉल्विंग देन सॉरी सेम प्रॉब्लम इन डिफरेंट स्टाइल. डिफरेंट स्टाइल मीन्स इस केस में कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट नहीं किया विदाउट क्रिएटिंग अ वेरिएबल्स. नेक्स्ट वन आफ्टर दैट, इस केस में अगर सेम प्रॉब्लम अगेन सॉल्व करें, सबसे पहले रिक्वायर्ड किया प्रोवाइडिंग सम डिक्लेरेशंस. डिक्लेरेशंस के रिस्पेक्ट में 3 टाइप के वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, इनपुट वेरिएबल्स, आउटपुट वेरिएबल्स और प्रोसेसिंग वैल्यूज. इसके इसमें इनपुट वैल्यूज की बात करेंगे, टू नंबर का एडिशन परफॉर्म कराना है. तो इसके इसमें इनपुट्स में वैल्यूज कितने रिक्वायर्ड है, टू वैल्यूज को स्टोर करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने रिक्वायर्ड होंगे, ऑल्सो टू वेरिएबल्स लाइक समथिंग इंटीजर एक्स कॉमा वाई. नेक्स्ट वन, इसके अलावा जब इन दोनों नंबर का एडिशन स्टोर कराओगे तो एडिशन जनरेट करने के बाद अगर एडिशन भी किसी वेरिएबल्स के फॉर्म में स्टोर कराना फॉर ऑपरेशनल पर्पज, सपोज दैट एडिशन किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद देन काउंट करना चाहेंगे या डिस्प्ले कराना चाहें समथिंग एवरेज, देन एवरेज का रिजल्ट डिवाइडेड बाई टू समथिंग लाइक दैट. तो एडिशन को रिजल्ट को भी स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड किया सम एक्स्ट्रा वेरिएबल, सो एक्स्ट्रा वेरिएबल को क्रिएट किया एज अ रिजल्ट. वेरिएबल नेम्स मे बी एनी थिंग्स. नेक्स्ट वन सेकेंड स्टेप रीडिंग इनपुट्स यूजिंग स्कैनर. व्हाट इज हियर, इनपुट डेटा मैं डायरेक्टली सप्लाई कर रहा हूँ, लाइक सपोज दैट अगेन मुझे 10 और 20 का एडिशन परफॉर्म कराना, डायरेक्टली सेंड कराएंगे एक्स इक्वल टू 10 एंड समथिंग वाई इक्वल टू 20, देन फाइनली जनरेटिंग रिजल्ट. तो रिजल्ट के केस में परफॉर्म क्या कराना, एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई. तो एक्स में क्या साइन हो रहा है 10, वाई में 20, देन रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई. देन टू क्लियर द स्क्रीन राइटिंग समथिंग CLR SCR. इट इज मोर लॉजिकल प्रोवाइडिंग द CLR SCR जस्ट आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशंस. जनरली CLR SCR मैसेज डिस्प्ले कराने से पहले कहीं भी प्रिंट राइट करना पॉसिबल है, लेकिन लॉजिकल भी क्या होगा, प्लेसिंग जस्ट आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन, बिकॉज CLR SCR के अंदर कोई लॉजिक्स नहीं होता. सिंपली इसका पर्पज क्या है, क्लियर द स्क्रीन. इट इज नॉट अ कंपल्सरी ऑप्शनल. नेक्स्ट वन, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है. इन इस केस में इनपुट मैंने रीड कैसे डायरेक्टली सेंड किया विदाउट यूजिंग स्कैनर फंक्शंस. नेक्स्ट जनरेटिंग लॉजिक्स. लॉजिक्स क्या है इस केस में, दिस पार्ट इज कंसीडर्ड एज लॉजिक्स. अप्लाइंग लॉजिक्स, लॉजिक्स क्या है,
एडिशन ऑपरेशन, देन फाइनली डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स। लास्ट ऑपरेशन इज डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराने का वे क्या हुआ, प्रिंट एफ परसेंट डी प्लस परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी। मैं क्या ज्यादा इसको डिस्प्ले कराने का वे क्या है, लाइक फर्स्ट परसेंट डी के मीन इसका रिजल्ट डिस्प्ले कराना, लाइक गिवन स्टाइल 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30 लाइक दैट। तो फर्स्ट 10 वैल्यू फर्स्ट परसेंट डी के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराना, वैल्यू ऑफ एक्स। इसलिए सबसे पहले क्या पास करेंगे आर्गुमेंट में, एज अ एक्स। नेक्स्ट परसेंट डी के प्लेस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ वाई। सेकेंड केस में पास क्या करेंगे, समथिंग वाई सेम एज इक्वल्स टू में डिस्प्ले कराना, वैल्यू ऑफ रिजल्ट 30 इज स्टोर्ड इनसाइड वेरिएबल रिजल्ट। देन सबसे लास्ट केस में डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ रिजल्ट। देन फाइनली टू वॉच द आउटपुट प्लेसिंग गेट सी एच फंक्शन, इट इज अगेन ऑप्शनल फंक्शन लाइक दैट। दिस इज द सी प्रोग्राम। आफ्टर दैट चेक कर दें, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होने का वे क्या हो, कोई भी प्रोग्राम हमेशा एग्जीक्यूट कैसे होता है, फ्रॉम स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट। सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा फ्रॉम बॉडी ऑफ मेन। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एवरी प्रोग्राम विल बी स्टोर्ड इनसाइड रैम मेमोरी, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एवरी फंक्शन विल बी लोडेड इनसाइड विच प्लेस स्टैक एरिया ऑफ द रैम। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टैक मेमोरी, स्टैक के केस में फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा सबसे पहले स्टैक के अंदर लोड क्या हो जाएगा, मेन फंक्शंस। दिस फंक्शन विल बी लोडेड इनसाइड स्टैक, और दिस स्टैक ब्लॉक विल बी एलोकेटेड फॉर एग्जीक्यूटिंग मेन फंक्शंस। सम स्टैक मेमोरी एड्रेस लाइक 100, नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या हो, समथिंग 102, 98, 96, एनी एड्रेस नॉट ओनली सेम, इट इज नॉट अ फिक्स्ड एड्रेस ओनली माई एजम्पन। जनरली मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2 बाइट्स के ब्लॉक्स क्रिएट हुए इनसाइड स्टैक, इनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन पॉइंटर्स, क्लियर। नेक्स्ट वन देन इसके जस्ट बाद कंट्रोल का सेंड होगा, सारे के सारे स्टेटमेंट्स वन बाई वन एग्जीक्यूट हों, तो अभी कंट्रोल का है आउटसाइड बॉडी ऑफ मैन। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर एंटर हुआ सेकंड स्टेप, सेकंड केस में चांस किसको मिला, दिस डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग स्टैक मेमोरी के अंदर 3 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे बेस्ड ऑन सेम ऑर्डर एक्स वाई एंड रिजल्ट। स्टैक के अंदर एलोकेशन परफॉर्म हुआ फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मीन सबसे पहले टॉप एम्प्टी प्लेस कौन सा 100, दिस लोकेशन इज रिजर्व्ड टू द एक्स। नेक्स्ट वन 98, दिस लोकेशन विल बी रिजर्व्ड टू द वाई। नेक्स्ट वन 96, दिस लोकेशन विल बी रिजर्व्ड टू द लोकल वेरिएबल्स रिजल्ट्स। एज वी डिस्कस्ड इन वेरिएबल्स, ऑल लोकल वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड बाई गार्बेज वैल्यू। देन व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड रिजल्ट, गार्बेज। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप्स में एग्जीक्यूशन इसका हुआ नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्स इक्वल्स टू 10। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दिस इज असाइनमेंट ऑपरेशन। व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट मीन्स वैल्यू 10 इज असाइन टू द लोकेशन एक्स, मीन्स 10 उस लोकेशन में असाइन होगा जिस लोकेशन का लॉजिकल नेम एक्स है, मीन्स रियल में एक्स और वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस। फाइनली 10 उस लोकेशन में असाइन होगा जिस लोकेशन का नेम एक्स है, विच इज मार्क्ड बाई एक्स। नाउ गार्बेज इज रिप्लेस्ड बाई 10। नेक्स्ट वन करेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद कंट्रोल कांसेंट होगा ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट मीन्स दैट वन। तो फोर्थ केस में एग्जीक्यूशन इसका मैं मार्क कर रहा हूँ केवल कन्वेंशन के लिए, जिससे आपके माइंड में स्टेप्स क्रिएट हों कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को किस टाइप से एग्जीक्यूट कर रहा है, नॉट अ कंपाइलर इट इज एग्जीक्यूटेड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। देन सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे वन बाई वन और सिक्वेंशियल नेचर्स, लाइन बाई लाइन और स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट वन व्हाट इज मीन बाई दिस स्टेटमेंट, अगेन सेम एज प्रीवियस, दिस वैल्यू 20 इज असाइंड ऑन द दैट लोकेशन विच इज मार्क्ड बाई लॉजिकल नेम एज वाई, मीन्स 20 उस लोकेशन में असाइन होगा
जिस लोकेशन का लॉजिकल नेम वाई है, मीन्स दैट वन, इस लोकेशन का लॉजिकल नेम क्या है, वाई। नाउ एग्जिस्टिंग गार्बेज वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाई 20। नेक्स्ट वन, उसके बाद नेक्स्ट केस में सेकेंड स्टेट रिमेन, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ एज अ सिक्वेंस नंबर 5। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले जहाँ भी आपने इस मिस असाइनमेंट के केस में जस्ट ऑपरेटर्स में डिस्कस किया था, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर आर सॉल्व बिफोर लीस्ट प्रायोरिटी। इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका, प्लस का। तो सबसे पहले प्लस ऑपरेटर सॉल्व हुआ, प्लस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग एक्स के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट मीन बाई एक्स, एक्स के प्लेस पर उस लोकेशन का वैल्यू रिप्लेस हुआ जिस लोकेशन का लॉजिकल नेम एक्स है। तो एक्स का वैल्यू क्या करंटली 10 और एड्रेस क्या है 100। लेकिन इस प्लेस पर एक्स के वेरिएबल नेम्स ऑलवेज रिप्लेस किस होंगे, इट्स वैल्यू। करंटली एक्स का वैल्यू क्या है मेमोरी के अंदर 10, इस एक्स इज रिप्लेस्ड बाई 10। सेम है लॉजिकली वाई के प्लेस पर भी रिप्लेस क्या हुआ, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई इज ऑल्सो 20। नाउ वाई इज रिप्लेस्ड बाई 20। फाइनली एडिशन, देन एडिशन विल बी परफॉर्म, 10 प्लस 20 रिजल्ट इज 30। रिजल्ट क्या आएगा इसका 30। नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय रिजल्ट एज 30। अगेन 30 इज असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, मीन्स 30 मेमोरी के अंदर उस लोकेशन में असाइन हुआ जिसका लॉजिकल नेम रिजल्ट है। तो इस प्लेस पर असाइन कर जाओ फाइनली 30। नेक्स्ट वन, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने जस्ट बाद देन चांसेस को लेकर नेक्स्ट स्टेटमेंट 6, तो उसका वर्किंग क्या है, क्लियर द स्क्रीन। नाउ आउटपुट डिवाइस मॉनिटर बिकम्स क्लियर। नेक्स्ट वन, सिलार एस सी आर के जस्ट बाद चांस किसको मिलेगा, अगेन प्रिंट एफ फंक्शन एज आ 7th स्टेटमेंट। प्रिंट एफ के केसेस में सबसे पहले प्रिंट एफ एक्सप्रेशन के अंदर थ्रू आउट प्रिंट एफ जहां भी वेरिएबल्स यूज किए, वेरिएबल्स के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या करें, वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल्स। नाउ रिजल्ट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 30। नेक्स्ट वन, वाई इज रिप्लेस्ड बाय वैल्यू ऑफ वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई 20। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 10। नाउ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 10। देन ऑलरेडी प्रिंट एफ में एग्जीक्यूट शो किया था मैंने, प्रिंट एफ के अंदर एनी नंबर ऑफ वैल्यू पास करना पॉसिबल, लेकिन इससे डिस्प्ले क्या हुआ, ऑलवेज वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्ट्रिंग, इफ फर्स्ट आर्गुमेंट कंटेनिंग एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर देन इट इज रिप्लेस्ड बाय करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। बिफोर प्रिंटिंग दिस मैसेज परसेंट डी के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट परसेंट डी के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, फर्स्ट आर्गुमेंट विच इज 10। नाउ दिस परसेंट डी इज रिप्लेस्ड बाई एज अ 10, बिकम्स 10 प्लस परसेंट डी। नेक्स्ट परसेंट डी के प्लेस पर रिप्लेस होगा नेक्स्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट के प्लेस पर 10, सेकेंड के प्लेस पर 20। नाउ दिस परसेंट डी इज रिप्लेस्ड बाई वैल्यू एज 20। नेक्स्ट वन, थर्ड परसेंट डी, थर्ड परसेंट डी इज रिप्लेस्ड बाई थर्ड आर्गुमेंट एज 30। नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाई 30। देन ओवरऑल रिजल्ट, उसके बाद फाइनली जब मैसेज डिस्प्ले होगा मैसेज बिकम्स 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। डिस्प्ले क्या हो इससे, सिंपली 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट वन, गेट सी एस, नेक्स्ट केस में चांस किसको मिलेगा, गेट सी एच फंक्शन, देन आपके लिए आउटपुट देखना पॉसिबल। आफ्टर वॉचिंग आउटपुट वेन एवर यू आर प्रेसिंग एनी की, एनी एंटर की और अदर कीज, देन कंट्रोल बिकम्स और गोज टू आउटसाइड प्रोग्राम, मीन्स 9th केस में प्रोग्राम इज फाइनली एग्जीक्यूशन विल बी कंप्लीटेड। जैसे इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा देन इमीडिएटली मेन फंक्शन स्टैक मेमोरी से रिलीज हो जाएगा, मीन्स अगेन दिस प्लेस बिकम्स फ्रीड एज अ फ्री स्पेस, मीन्स अगेन ये स्पेस कैसा हुआ, एज अ एम्प्टी स्पेस लाइक दैट, देयर इज नो सच एलोकेशन इन साइड स्टैक, फाइनली दिस लोकेशन बिकम्स अगेन एम्प्टी लाइक दैट वे। क्लियर, दिस द ओवरऑल ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम, देन वॉच इट, व्हाट इज द लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन। इन दैट केस
अगर इस प्रोग्राम को आप 1000 टाइम एग्जीक्यूट करो, 1000 टाइम और एवरी टाइम इसका आउटपुट सेम आएगा, डिफरेंट एवरी टाइम सेम रिजल्ट, ऑलवेज 10 + 20 = 30, बिकॉज इस केस में इनपुट्स कैसे, इनपुट्स आर फिक्स्ड, इनपुट ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुके, मीन्स रन टाइम पर डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। वे कौन सा, दिस इज द वे टू, मीन्स सेकेंड केस वे टू। इन दैट केस मीन्स एवरी टाइम सेम रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, डिफरेंट रिजल्ट्स एवरी टाइम सेम रिजल्ट्स। अगर आप चाहें, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम्स क्या है, इट बिकम्स स्टैटिक प्रोग्राम, स्टैटिक मीन्स एवरी टाइम, जनरली एडिशन परफॉर्म करने के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम रिक्वायर्ड क्या हुआ, एवरी टाइम सेम एलिमेंट्स के, सॉरी सेम नंबर्स को ऐड कराओ, डिफरेंट नंबर्स, लेकिन इस केस में एवरी टाइम सेम नंबर ऐड होंगे 10 and 20। देन हाउ टू परफॉर्मिंग एडिशन रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट इनपुट्स के रिस्पेक्ट में एडिशन परफॉर्म करा, देन इनपुट्स वैल्यू डायरेक्टली असाइन न करके असाइन करेंगे बाई यूजिंग स्कैन एफ, मीन्स इसके प्लेसेस पर रिप्लेस क्या करोगे, दैट स्टेटमेंट स्कैन एफ %D% एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ वाई। देन इस केस में अगर स्कैन एफ के केस में प्रोग्राम 1000 टाइम एग्जीक्यूट करें, देन एवरी टाइम एक्स और वाई के लिए न्यू डिफरेंट वैल्यूज अप्लाई करना पॉसिबल है, देन डिफरेंट वैल्यूज का एडिशन परफॉर्म कराना पॉसिबल होगा, दिस इज डायनेमिक। नेक्स्ट सेम प्रोग्राम को मैं क्रिएट कराऊंगा बाई यूजिंग स्कैन एफ फंक्शंस।